मैं तो सिर्फ एक चौथी फेल आम आदमी हूं जिसकी एक बीवी है और दो बेटियां, यही मेरी दुनिया है। चल बदमाश, लोग अपनी फैमिली के लिए क्या नहीं करते और तुम क्या करते हो? एक आइसक्रीम नहीं दिलवा सकते? आइसक्रीम तो मार्टिन के यहाँ भी मिलती है, पंजी का क्या स्पेशल है? समीर देशमुख, आईजी मेरा देशमुख का इकलौता बेटा, 3 हफ्तों से मिसिंग है। 2 अक्टूबर को सैम तुम्हें मिलने तुम्हारे घर आया था? नहीं तो, पंजी में स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग था, हम सब वहीं गए थे। वहाँ पहुँचने के कितनी देर बाद प्रोग्राम शुरू हुआ? प्रोग्राम हम पहुँचने से पहले ही शुरू हो गया था। तुम सत्संग की जगह कितने बजे पहुँची? लगभग 8:30 बजे। विजय और उसकी फैमिली को हम अच्छी तरह जानते हैं, वो अच्छे लोग हैं। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता, हम लोग तो घर पे थे ही नहीं। ये लोग गेट्स तालाब से रिकवर की गई, लेकिन समीर का कुछ हता पता नहीं। हमारा बेटा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। दे लाइंग महेश, एक मनगढ़ंत कहानी रची है उन्होंने। After all, वो एक चौथी फेल गंवार आदमी है, कितना होशियार हो सकता है। खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो, ऐसे लगना चाहिए घर पे कोई नहीं है। मैंने अपनी आंखों से उसे उस कार में बैठते हुए देखा है। अब हम क्या करेंगे? अब ये एक खेल बन चुका है जिसमें जीत भी हो सकती है और हार भी। हर परिवार में कुछ ऐसे राज होते हैं जो ना खुले तो ही बेहतर है। उसको 2-4 फटके देंगे ना, सारी होशियारी निकल आएगी उसकी। पुलिस के पास सिर्फ एक ही सबूत है, हमारा डर। मैंने उसे गंवार समझकर बहुत अंडर एस्टिमेट किया। वो इतनी जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, वो फिर आएंगे। इंसान अपनी फैमिली के बिना जी नहीं सकता, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, फिर दुनिया उसे मतलब ही कहे या खुद गर्ज़।